एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एवरी सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हमारे साथ है गुरुजी, जिनको बापा के नाम से जानते हैं, किरण जी ठक्कर। बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज का काफ़ी एपिसोड हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने हमें उनके प्रश्न और उनके उनकी पूरी डिटेल्स हमें भेजी है। जिनको भी प्रॉब्लम है लाइफ में या बिजनेस में या तो किसी भी तरह की उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से सॉल्व की जाती है। तो आपको भेजना है आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस एंड आपका सिटी आपको भेजना है। तो आपको एवरी सैटरडे यहाँ से जो लाइव शो रहेगा उसमें आपके बारे में जानकारी यहाँ से दी जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और गुरुजी, आज हमें जो बात करनी है, पहले तो हम क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो भी हमने सभी एपिसोड में थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सिखाया है, तो आज भी गुरुजी कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो गुरुजी, अभी पहले हम क्वेश्चन ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले निकिता नथवानी का क्वेश्चन है, उनका बर्थ डेट है 28 मार्च 78 उनका टाइम है शाम को 5:40 का और केशोद गुजरात में उनका बर्थ प्लेस है। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद उनका अभी डाइवोर्स भी हो चुका है, पर उनको ऐसा लगता है कि अभी भी उनके रिलेशंस सही हो सकते हैं। उनके हस्बैंड के द्वारा उनको कुछ ऐसा दिया, वचन दिया गया है कि अगर सही हो जाएगा तो हम वापस शादी कर लेंगे। तो ये सब क्या सत्य है? और उनको कुछ डाउट है कि उनके हस्बैंड के किसी के साथ रिलेशन है, तो वो ऐसा जानना चाहती है कि अगर रिलेशन है, अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे इसी बहाने अभी भी डाइवोर्स हो चुका है लेकिन उनके साथ रह रहे वो। जी, ये एकदम सही है कि उनका रिलेशन वापस जुड़ सकता है। वो 22 जनवरी तक का योग प्रबल है जो उनके रिलेशन जुड़ सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद में इनका योग ऐसा है कि वो अलग हो सकते हैं। जी जी, ठीक है। लेकिन वहाँ तक अगर ये शांति से रहे और गणपति उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सिंह लग्न कुंडली है, गणपति उपासना प्रबल करें तो इनका जन्म लग्न का जो ग्रह है वो सुधर जाएगा और काफी फेवरेबल हो जाएगा, और गणपति दादा के आशीर्वाद से इनका काम सही हो जाएगा, संसार उनका बच सकता है, 100% बच सकता है। जी निकिता जी, आपने सुना होगा कि गुरुजी ने आपको जो कहा है उस पे ध्यान दीजिए, तो जरूर शायद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, आपको वापस आपके हस्बैंड के साथ आप वापस जुड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है रूपा जी, जिनका बर्थ डेट है 11 मार्च 1963 और उनका बर्थ टाइम है 9:45 सुबह का और उनका बर्थ प्लेस है कानपुर। ग्यारह मार्च 63 सुबह 9:45 जी इनका वृषभ लग्न का कुंडली आ रहा है। जी, वृषभ लग्न में राशि आ रहा है उनका कन्या राशि का कुंडली है, जो जन्म के चंद्र से चंद्र गोचर में भी 10वें स्थान में जा रहा है और गुरु के नक्षत्र में। ये बिजनेस रिलेटेड कोई अच्छा प्रोग्राम ये बनाना चाहते हैं जो अभी जीवन में सुख शांति मिले और किसी के साथ में साथ मिलकर बिजनेस में कुछ आगे बढ़ने का इनका अभी दिमाग में चल रहा है, और आगे के 5 साल बहुत ही बढ़िया रहेंगे जो उनको लाइफ में प्रगति देंगे। जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया समय अभी उनका चल रहा है, खाली उनकी उपासना कम पड़ रही है, जो जीवन में उपासना करनी चाहिए, जो उनके ग्रह को बल मिले वो उपासना थोड़ी कम पड़ रही है, इसके कारण थोड़ा मिसगाइड होने का संभावना अभी दिख रहा है।
तो उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार ठाकुर जी की इनकी उपासना करें तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा जी। उनकी कुंडली में एक शापित दोष हो रहा है जो भाग्य स्थान में है, जो काम करने के बावजूद जो फल मिलना चाहिए वो उनको जीवन में कम मिल रहा है। हीमोग्लोबिन शरीर में कम है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो ये चीज उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली है, बाकी और बहुत बढ़िया है। या आगे वाले 5 साल बहुत ही बढ़िया रहेंगे जी। रूपा जी, आपको भी गुरुजी ने जो बताया है उस पे आप ध्यान दीजिएगा, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे लाइव कुंडली यहाँ पे उनकी प्रिडिक्शन की जाती है, आपके बारे में आपको बताया जाता है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या ये सही है या नहीं है, अगर आपको कोई लाइफ में परेशानी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको भेजना है आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस एंड आपका बर्थ टाइम, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सके और आपके बारे में आप जान सके। दूसरा क्वेश्चन है तेजस भट्ट का, जिनका बर्थ डेट है 13 मई 1976, उनका बर्थ टाइम है 10:04 रात को और जन्म स्थान उनका है सूरत। तेजस भट्ट जी, आप तेजस 13/5/1976 रात को 10:04 जी सूरत जी। इनकी धनु लग्न की कुंडली आ रही है, धनु लग्न में चंद्र है उनका तुला राशि का, जो गोचर के चंद्र से चल रहा है भाग्य स्थान में, उनके मेहनत करने के बावजूद जो भाग्य खुलना चाहिए वो कम हो रहा है, जो फल मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, यही चीज है। इनके अंदर ईगो बहुत है, छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, ईगो बहुत है, बुरा मान जाना, ये चीज उनके लिए है, और जो मेहनत करते हैं वो हिसाब से इनको प्रगति मिलनी चाहिए वो कम मिल रही है, ये चीज इनके अंदर है। उनका मेन कारण है उनके पंचम स्थान में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष है, जो उनके पूर्व पुण्य भी खोलने नहीं देते और जीवन में प्रगति के लिए रुकावट है। इनके लिए उनको एक पितृदोष की पूजा करवानी पड़ेगी, जो चाणद में होती अच्छे ब्राह्मण को लेके, वो एक पितृदोष की पूजा करवावे जिससे इनको काफी अच्छा फायदा रहेगा, और गणपति उपासना पे खास ध्यान देवे जो जीवन में प्रगति उनको देंगे जी, ये करवाइए जी। तेजस जी, आपने भी सुना होगा, आप ध्यान से आप गुरुजी ने जो की बोला है वो आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो है तुषार जी, जिनका बर्थ डेट है 1 मार्च 1986 और उनका जन्म समय सुबह 8:00 तारीख क्या बोले, 1 मार्च 1986 और उनका बर्थ टाइम जो है सुबह 8:00 का है सुबह का, और चिखली में उनका बर्थ प्लेस है। चिखली गुजरात जी, 1/3/1986 सुबह 8:00 ठीक है जी। इनका मीन लग्न कुंडली आ रहा है जी। मीन लग्न कुंडली लग्नेश खुद के स्थान से 12वें स्थान में है, हर एक काम जो एक दिन का काम होता है वो 11 दिन में होता है, हर एक काम में रुकावट आती है जी। इसके लिए नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, राहु ऑलरेडी गुरु को पकड़ रहा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत होता है। हाँ, टेक्निकल मैकेनिकल इनके लिए दिमाग बहुत ही शार्प है, लेकिन जो काम वो करते हैं वो काम सही समय पे होने के बावजूद काफी लंबा समय ले लेता है, वो इनके लिए बहुत ही कष्टदायक रहता है, ये चीज इनके लिए बताई गई है उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार। तुला राशि उनकी है जीवन की, और गोचर का चंद्रमा मिथुन का है, जो उनके चंद्र से 9वें स्थान में चल रहा है और गुरु के ही नक्षत्र में है, जो वही बता रहा है कुछ नया साहस करना चाहते हैं, भाग्य खुले ऐसा, लेकिन वो जो काम करते हैं उसमें रुकावट काफी आ रही है, फाइनेंशियली उसके कारण काफी लॉस हो रहा है, ये वो बता रहे हैं इनकी कुंडली का। इनको खास गणपति उपासना पे ध्यान देवे, और इनकी कुंडली में एक
ऐसा योग बन रहा है, जो वो बोलेंगे वही सामने वाले का सच हो जाता है। ये जी इनकी कुंडली का एक योग बन रहा है जो बहुत ही पावरफुल है। वो मंत्र से और भी साधा जा सकता है। और हर रविवार को माता जी के मंदिर में नारियल और मिश्री, साथ में कुमकुम और फूलों का हार रख देवे, जिससे उनके काम में जो रुकावट आ रही है वो कम हो जाएगी। खास उनके लिए ये बताया जा रहा है। जी तुषार जी, आपके बारे में गुरुजी ने आप बताया है, वो उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी दर्शक हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपकी डिटेल्स हमें मैसेंजर में या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9227645700 पे आप भेज सकते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे को हम आपका जो भी है आपने डिटेल्स बताया है उनके रिप्लाई हम नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। लेकिन और एक प्रश्न हम ले लेते हैं आज। आसिफ मर्चेंट जी, जिनका बर्थ डेट है 3 जून 1966, 1966 है, और बर्थ टाइम है उनका 6:20 मॉर्निंग, और बर्थ प्लेस मुंबई है उनका। उनका प्रश्न है कि उनको बिजनेस में काफ़ी परेशानी आ रही है, बिजनेस वो कर रहे हैं लेकिन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 3/6/1966 सुबह जी 6:20 जी बॉम्बे। जी, आसिफ जी की कुंडली में एक ही योग है जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष उनके सर पे हो रहा है, जो ओके उनकी प्रगति में रुकावट कर रहा है। ठीक है, जी बाकी शनि खुद के स्थान से आगे स्थान पे है, पैसा भी देगा, धंधा भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि धंधा नहीं हो रहा है, लेकिन पैसों को जो मैनेज करने का जो उनका थियरी है ना, वो गलत है। जैसे 100 रुपया कमाई होती है, उसमें से 80 रुपया खर्चा करो, 20 रुपया घर पे बचाओ। कैसे? वो जो प्लानिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें वो थोड़े से कचास दिख रही है, जिसके कारण इनकम तो है, ऐसा भी नहीं कि इनकम नहीं है, लेकिन मैनेज जो करना चाहिए पूरा, उसमें थोड़ी कचास के कारण इनकम से ज्यादा खर्चा बता रहा है। इनकम जी से ज्यादा खर्चा बता रहा है, बाकी जी बढ़िया है। थोड़ा सा ध्यान देवे, जी और हर शनिवार को काले उड़द और तिल का तेल किसी गरीब को दे देवे। हर शनिवार को शाम को संध्या समय पे काले उड़द और तिल का तेल किसी गरीब को दे देवे, उससे उनको बिजनेस में काफी अच्छा फायदा रहेगा, ये दिखाया जाता है। जी आसिफ जी, आपने भी सुन लिया होगा आपके बारे में जो बताया है गुरुजी ने। तो गुरुजी, आज के हम यहाँ प्रश्न जिनके थे हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे जितने भी लोग हैं उनके प्रश्न का जवाब हम देंगे। लेकिन अभी जो एस्ट्रोलॉजी जो सीखने वाले हैं वो नॉट एट पेन लेके बैठ चुके हैं, तो जी, अभी आप एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे। जी पिछले बार हमने कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है वो बताया था, उनके अंश बताने बोले थे। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, वो 10 अंश पे उच्च राशि का हो जाता है और पावरफुल फल देता है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश पे एकदम पावरफुल हो जाता है, जो बढ़िया फल देता है। और एक बात वो भी बोली थी कि स्वगृही, मूल त्रिकोण और उच्च का, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं। मूल त्रिकोण बढ़िया फल देता है, जो स्वगुरु से बढ़िया फल देता है, और उच्च का उससे भी बढ़िया फल देता है। स्वगुरु मतलब आप अपने घर में बैठे हैं और घर का पूरा संचालन कर रहे हैं। मूल त्रिकोण घर में बैठ के पूरे सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं, वो बोला जाएगा। और उच्च का आप पूरे सिटी का संचालन कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, वो उच्च का बोलता है। मेष राशि में सूर्य जब आता है, लेकिन 10 अंश का होगा है, वो परम उच्च राशि का हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया फल देगा। वैसे ही चंद्रमा, चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का बोला जाता है, वो 3 अंश पे रहता है। जब भी 3 अंश पे रहता है वो बहुत ही बढ़िया फल देता है। वैसे ही मंगल मकर राशि में जाएगा, वो उच्च राशि में जाएगा, लेकिन 28 अंश पे वो परम फल देगा। परम उच्च राशि में जाएगा वो अपनी परम शक्तियों के साथ में 28 अंश पे वो बढ़िया फल देगा। वैसे ही बुध, बुध कन्या राशि में 15 अंश पे जाएगा, तब वो बहुत ही बढ़िया फल देगा।
कन्या राशि में बुध, उच्च राशि में स्वगृही भी बोला जाता है, लेकिन उच्च राशि उनकी 15 हाउस पे होती है, वो वहां पे बहुत ही बढ़िया फल देगा। गुरु महाराज, गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च राशि में जाते हैं, वो वहां पे बहुत ही बढ़िया फल देंगे, लेकिन उसका अंश है 5 ही अंश है, 5 ही अंश पे वो बहुत ही बढ़िया फल देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। वैसे ही शुक्र, शुक्र आपका मीन राशि में बहुत ही बढ़िया फल देता है, उच्च का हो जाता है, लेकिन उसके 27 अंश बताए गए, 27 अंश पे मीन राशि में शुक्र बहुत ही बढ़िया फल देता है। वैसे ही तुला राशि में शनिदेव बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, लेकिन उसके 20 अंश बताए गए, 20 अंश पे वो बहुत ही बढ़िया फल देते हैं। राहु महाराज मिथुन राशि में बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, वो 9 अंश पे आपको बढ़िया फल देते हैं। ये खास वही चीज बताई गई है, जिस अंश पे वो उच्च राशि में जाने के बाद बढ़िया फल देते हैं। वैसे ही उनके विपरीत, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, उसके सामने तुला राशि में नीच अंश का वही अंश पे हो जाता है जो सूर्य उच्च राशि में होता है, 10 अंश पे, ठीक है। वैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वैसे ही वृश्चिक राशि में वो नीचे राशि का हो जाता है, ठीक है। मंगल मकर में उच्च का होता है तो कर्क राशि में नीच का हो जाता है, बुध कन्या में उच्च का होता है तो मीन राशि में नीच का हो जाता है, वैसे ही गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वही मकर में नीच राशि के हो जाते हैं। वैसे ही शुक्रदेव, शुक्रदेव मीन में उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में वो नीच राशि में हो जाते हैं, तुला में शनिदेव उच्च के होते हैं तो वही मेष राशि में नीच राशि के, नीच राशि क्या बोली जाती है, उच्च में परम फल देते हैं, नीच में गलत फल देते हैं, मतलब उसकी मान हानि होनी है, कुछ भी काम करो उसमें गाली पड़ती है, मान हानि है, नुकसान होता है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो सब चीज नीच नीच राशि में वही अंश पे होता है। जैसे राहु महाराज मिथुन में उच्च के होते हैं तो उसके सामने धन राशि में वो नीच के हो जाते हैं, ये आप खास आज लिख लो। मूल त्रिकोण अगली राशि जो अगले दिन में हम है वो बताएंगे। तो आज की जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको जो सीखनी थी वो आज गुरुजी ने जिस तरह से बताया वो आपने सीखी होगी, और अगर आपको आपके मन में कोई क्वेश्चन है, जो भी हमारे दर्शक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, कि ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसका जवाब दे सकें, क्योंकि आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे वहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गुरु जी, ये जो ग्रह की हम बात कर रहे थे तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रह का महत्व कितना है? एक्चुअली जो जन्म लग्न बनता है उससे इंसान की पूरी बॉडी बनती है जी। इंसान का शरीर जो निर्माण होता है जन्म लग्न के अधीन होता है जी। और इंसान का मानसिक अवस्था, इंसान का व्यक्तित्व, इंसान का मान सम्मान इज्जत होता है वो जन्म लग्न के मालिक से निर्मित होता है जी। तो हर एक ग्रह का एक पावरफुल उनके अंदर रहता है जो उनकी बॉडी को निर्मित करता है। जैसे ही मंगल होता है, मंगल अगर खराब अवस्था में होता है तो शरीर के अंदर की खून की अवस्था बिगाड़ देता है। जैसे ही शनिदेव खराब होता है वो वायु तत्व को बिगाड़ देता है। जैसे सूर्यदेव खराब होता है तो उसके अंदर शरीर के अंदर का कैल्शियम बिगाड़ देता है। वैसे हर एक ग्रह का एक महत्व रहता है जो उनके शरीर का ऊपर का भाग को और अंदर के भाग को, बुध खराब होता है तो त्वचा को खराब कर देता है, मतलब इंसान का जो पूरा बॉडी होता है वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही बना होता है। पंच तत्व बोलते हैं ना, पंच तत्व से निर्मित, और पंच तत्व के हर एक तत्व पे एक ग्रह को बिठाया गया, उसका अधिपति बताया गया। तो हमको ये देखना है कौन सा तत्व उनको बैलेंस करने से उनको प्रगति मिले, उनका शरीर ठीक रहे, वही चीज वो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है जी। मतलब हर एक चीज पे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव रहता है। जैसे उनका शरीर का बोला, वैसे ही उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मान सम्मान, वो जन्म लग्न के मालिक से निर्मित होता है जी। तो अगर वो खराब होता है तो उनको शरीर समाज में, घर में, कुटुंब में, परिवार में, या फिर धंधे में अच्छा फल, खराब फल, ये सब उससे ही निर्मित होता है जी। जन्म लग्न के मालिक से जी। तो हर एक का एक प्रभाव रहता है, वो धीरे धीरे आगे आगे बताए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, आज का जो हमारा एपिसोड था इसमें गुरुजी ने काफ़ी सारी बातें बताई, एस्ट्रोलॉजी भी सीखा ही, और
जिनके भी प्रश्न थे उनके हमने आंसर भी दे दिए, और बाकी जो भी हमें पूछना चाहता है, गुरुजी के साथ बात करना चाहता है, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाता है, आपको जो भी बताया जा रहा है वो फ्री है, और गुरुजी से डायरेक्ट आपको अगर बात करनी है तो वो भी पॉसिबल है। आप हमें सिर्फ मैसेज में लिख दीजिए कि गुरुजी का नंबर हमें दीजिए, तो हम ज़रूर उनका नंबर डायरेक्ट भी आपको दे सकते हैं, और वहाँ पे भी किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में वापस गुरुजी हम मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों से हम विदा लेते हैं, पर ज़रूर हमारा ये शो देखने के लिए आप ज़रूर हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार, जय गणेश। जय गणेश।